मैं कांती भाई गांधी चेयरमैन शास्त्री राव पार्लम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, देहात का एक्चुअल में क्या है? और देहात के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाति फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहादा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट, जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर, बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्बुल मुकद्दसा। और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्बुल मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए, जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबिलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना, जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबिलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 chapters अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है अपने जो हथियार है जमीन पर रख के, अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना,
और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय, भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवद गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवद गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का, मैं भगवद गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हैं, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवद गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवद गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो, हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुभान व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालदेन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है, वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर तकरीर दे सकता हूं मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुबहाना ताला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है, ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला हमारे खालिक है, अल्लाह ने कहा कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है, और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइटियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पर रखती है। तो सही रास्ते पर रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम अज कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे है? कई सैकड़ों फायदे है, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, मुंह की बीमारी आ सकती है जब हम सजदा करते हैं। तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन होने के इम्कान कम है। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनस इज फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहते हैं आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3
दो तिया हिस्सा, 2/3 एयर एक्सहेल आउट हो, खुद का भी नुकसान हो फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। I wanted to ask another question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूं मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुबहाना व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला हमारे खालिक है, अल्लाह ने कहा कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है, और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइटियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पर रखती है। तो सही रास्ते पर रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम अज गांधी भाई गांधी चेयरमैन सास्पीरा पार्लम सेंटर, मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है वो है लफ्ज जिहाद, और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहादा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट, जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे उसे कहते हैं जिहाद, अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उसे कहते हैं जिहाद, अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना, और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर, सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर, बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्बुल मुकद्दसा, और अब कुरान मजीद उठाओ, कई भी कुरान मजीद में हर्बुल मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लव होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए, जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए उसे कहते थे होली वॉर, आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मारना लड़ना झगड़ना क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक अपने नफ्स के खिलाफ जो गलत चीज है उसके खिलाफ माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबिलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना, जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए,
उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है, लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है अपने जो हथियार है जमीन पर रख के, अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में, भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं, इसका पस मंजर ये है श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए सच्चाई के लिए लड़ो चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हैं पस मंजर में, वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह के लिए हक की गवाही दो, हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुभान व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालदेन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे